नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहिता शर्मा, चेयरपर्सन तिरुपति आई सेंटर नोएडा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ की, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो आँखों को भी अफेक्ट करती है। इसके बारे में जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ आज की डेट में इंडिया में बहुत ही कॉमन है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि अकेले इंडिया में करीब करीब 7 से 8 करोड़ डायबिटिक्स हैं, और जिसको भी डायबिटीज़ हो उसमें से 10% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम से एक बीमारी होती है, जिसमें रेटिना यानी कि पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आ सकता है, जो कि ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। इस बीमारी के बारे में ज़रूरी चीज़ ये है कि जितना भी डैमेज रेटिना या पर्दे पर डायबिटीज़ की वजह से हो जाए, उस डैमेज को हम वापस नहीं कर सकते। जितनी नज़र चली गई उतनी नज़र चली जाती है, ये इरिवर्सिबल है। लेकिन जितना डैमेज हो चुका है उसको हम ट्रीटमेंट द्वारा वहीं पर रोक सकते हैं। इसीलिए अगर हमें इस बीमारी के बारे में पता हो तो हम इसका टाइमली डिटेक्शन कर सकते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन वो लोग होते हैं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। अगर किसी को डायग्नोस डायबिटीज़ है और उसकी डायबिटीज़ को 5 साल से ज़्यादा हो गए हों, तो 25% चांस है कि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी से सफ़र कर रहे हों। और अगर 15 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़ हो गई तो एज़ हाई एज 75% चांस है कि उनको पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आ गया होगा। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिम्टम ही नहीं होता। जब कोई सिम्टम ही नहीं होता, सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं। लेकिन हमारी ये सलाह है कि अगर आपको डायबिटीज़ है एंड स्पेशली 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना है और एवरी ईयर ये एक नियम बना लेना है कि एवरी ईयर डॉक्टर के पास रेटिना का चेकअप कराना ही है। डायबिटीज़ कई तरह से आँख को अफेक्ट कर सकती है। जैसे सबसे पहले इसमें ड्राइनेस हो सकती है आई में, जिससे इरिटेशन फील होता है आई में। इसमें कैटरैक्ट बन सकता है, जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें ग्लॉकोमा या काला मोतिया बन सकता है। इसमें आपका पावर जो है वो लगातार फ्लक्चुएट कर सकता है, और इसमें रेटिना पे अफेक्ट होने से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी इसलिए होती है क्योंकि डायबिटीज़ ब्लड वेसल्स या खून की नलियों को अफेक्ट करती है, और जब ये खून की नलियों को अफेक्ट करती है तो जो खून की नलियां हैं वो ब्लीड करती हैं और लीक करती हैं। जब ये ब्लीड करती हैं तो रेटिना के ऊपर और रेटिना के आगे ब्लीडिंग होती है, जैसे कि आप इन कुछ पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये रेटिना या पर्दे की पिक्चर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली पिक्चर है, ये नॉर्मल पर्दा है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व है और मैक्यूला है, जहाँ से हम देखते हैं। यही ब्लड वेसल्स जब लीक करती हैं तो ये आप लीकेजेस देख रहे हैं येलो कलर के, ये सब लीकेजेस हैं जो कि रेटिना को हमारी विजन को अफेक्ट करते हैं। ये आप ब्लड देख रहे हैं, इतना सारा ब्लड आया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से रेटिना पर हो सकती हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी लेस विजन या ब्लाइंडनेस के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर डायबिटीज़ है तो रेटिना को ज़रूर चेक कराएं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डायबिटीज़ है, वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रेटिना चेकअप। कुछ आइस में ड्रॉप्स डाल के आपके रेटिना को चेक किया जाता है। सेकेंडली एंजियोग्राफी नाम से एक इन्वेस्टिगेशन होता है, और थर्डली एक OCT नाम से इन्वेस्टिगेशन होता है। ये एडवांस्ड मशीन्स होती हैं जो कि आपकी रेटिना की पिक्चर्स को लेती हैं, रेटिना की लेयर्स की पिक्चर्स को लेती हैं, और ये दिखाती हैं कि कहीं कोई लीकेज या कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी OCT की पिक्चर्स हैं, आपको नज़र ही आ रहा है कि इतना स्वोलन है रेटिना, और यही डायबिटीज़ की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो जब भी ऐसी स्वेलिंग या ब्लीडिंग डिटेक्ट होती है, 3 फॉर्म्स में इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो एक तरह का लेज़र होता है, उसको किया जा सकता है कि जिससे ये ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। सेकेंडली, कुछ स्पेशल टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं रेटिना के डायरेक्टली आगे। डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए और कितनी फ्रीक्वेंसी पे लगाया जाए, और ज़्यादातर ये मंथली इंजेक्शंस होते हैं, कभी कभी 3 to 4
मंथली भी होते हैं। थर्डली, एडवांस स्टेज में अगर ये सब ट्रीटमेंट आपकी रेटिनोपैथी को नहीं रोक पाए तो विट्रेक्टमी नाम से एक सर्जरी होती है, लेकिन एम ये होता है कि उस स्टेज तक आप पहुँचे ही हैं। तो फाइनली इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अगर डायबिटीज़ है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको टाइमली डिटेक्ट किया जाए कि वो रेटिना को तो नहीं अफेक्ट कर रही, और अगर रेटिना पर कोई अफेक्ट है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए जिससे ब्लाइंडनेस से बचा जाए। थैंक यू सो मच।